आपको बताएं अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है। मुशा बीबी आज अदालत में पेश नहीं हुई है। दोनों केसेस में तिब्बी बुनियादों पर मुलजिमा की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की गई थी। इस पर बात कर लेते हैं, फहद बशीर हमारे साथ मौजूद है। आज की हाजिरी से मुशा बीबी को इस्तिस्ना मिल गया है, फहद मजीद क्या आज कार्रवाई हुई है अदालत में, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, रावलपिंडी के अडियाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत हुई है, जबकि बानी पीटर बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। बुशा बीबी की अदालत से एक रोज के इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई है। बुशा बीबी के इस्तिस्ना की दरख्वास्त बीमारी के बाद मंजूर की गई। बानी पीटर बुशा बीबी को 342 की बयानात दाखिल कराने का अदालत ने हुक्म भी दिया। वक्रा और बुशा बीबी को कल अदालत में हाजिर होने की हिदायत भी की गई और रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जवेद राना ने अडियाला जेल में की। और जो बानी पीटर और बुशा बीबी के खिलाफ जो अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की भी समाअत हुई, केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी की गई। मुलजमान पर आज भी फर्ज जुर्म ऐसा हो सकी, जबकि अदालत ने मुलजमा बुशा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत भी कर दी, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर अदम हाजिरी पर मुलजमा की जमानत खारिज होने का नोटिस जारी कर दिया, जबकि अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजमा की अदम हाजिरी की बिना पर इसके जमानती में चल के जब्त कर लिए जाएंगे। और बुशा बीबी की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की गई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जबन ने की, जबकि एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त टीबी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मंजूर की गई। ठीक है फहद, डिटेल्स आपने दी, बहुत शुक्रिया।